आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। बहुत बड़ी नर्मदा क्षेत्र में एक रैली निकाली जा रही है जिसे हम तिरंगा यात्रा कह रहे हैं। आइए हम पूछते हैं कि तिरंगा यात्रा के दौरान हमारे गुड्डू भाई जो हैं कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से आयोजन रखा है यहाँ पर। हम लोगों ने साहब 26 जनवरी का आयोजन रखा गया है तिरंगा यात्रा, जो हमारे विद्वाज सारंगी माननीय यहाँ के क्षेत्र विधायक हैं, उन लोगों के स्वागत के लिए हमने ये मंच बनाया है। ये एकता मंच है हमारा, इसमें हिंदू मुसलमान सभी एक होके उनका स्वागत करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमारे हिंदू और मुस्लिम मतलब सारे मजहब के लोग यहाँ पर राज्य मंत्री विश्वास सारंग जी का स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ है, और आइए हम लुत्फ उठाते हैं इस तिरंगा यात्रा का। आज हमारे साथ पति तिवारी जी हैं जो वार्ड 75 के पार्षद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है वो किस विषय को लेकर निकाली जा रही है। आज जो है हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा जोन 17 के 5 वार्ड 75, 76, 77, 78, 79 नंबर में निकाली जा रही है। पूर्व के वर्षों में पूरी नरेला विधानसभा की एक ही यात्रा होती थी तो पूरे क्षेत्र छूट जाते थे, कवर नहीं हो पाते थे और अव्यवस्था भी होती थी। इसलिए आदरणीय मंत्री जी ने तय किया कि करो क्षेत्र में अलग से ही यात्रा छोला से लेकर और जेल रोड बड़वाई तक निकाली जाएगी। तो ये 5 वार्डों की यात्रा है, इससे देशवासी का जज्बा होता है और सभी कार्यकर्ताओं में एकता होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि सारी एकता के लिए आज हमारे विश्वास भाई ने यहाँ पर रैली निकाली हुई है, और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ओके, मैं शशांक मालवीय क्राइम न्यूज से। आज यहाँ पर विश्वास सारंग के द्वारा तिरंगा यात्रा की जा रही है, और इस तिरंगा यात्रा में यहाँ के शहरवासी नरेला क्षेत्र के बड़े बड़े चढ़कर इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कि विश्वास भाई ने तिरंगा यात्रा किसने निकाली है। तिरंगा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में। विश्वास भाई के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, रैली का आयोजन क्या है, किस प्रकार से निकाली जा रही है? आज तिरंगा के आन बान और शान को चिरस्थाई रखने के लिए करौत क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हजारों लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत जोर शोर से यात्रा से निकाली जा रही है और हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। आज हमारे बीच में काशी भाई साहू है जो कि वार्ड 75 के सुषमा वाली जी हैं, वार्ड 76 से। और आइए हम बात करते हैं कि रैली का आयोजन क्या है। ये अपने ये तिरंगा के लिए आजकल लोगों में जो जागरूकता कम हो गई है, इसी विषय में हमारे माननीय मंत्री जी ने इस तिरंगा यात्रा को फिर से शुरू करा है। अभी 4 वर्ष हो गए इसको शुरू करे हुए, तो ये यात्रा अब हमेशा ताकि यहाँ जनता लोग जागरूक हो भारत माता के लिए। आजकल युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती, इसलिए जागरूक करने के लिए भारत माता की जय। 78 की श्रीमती काशीबाई साहू
ये भैया यात्रा निकाला है, हर समय निकालते रहेंगे, जनता को जागरूक करते रहेंगे, सभी काम करते रहे, भारत माता की जय। प्राइम न्यूज के लिए कैमरा पर्सन न्यूज जहाँ के साथ सुशांत कुमार जी। तो देखा आपने यहाँ पर तिरंगा यात्रा बड़े जोर शोर से निकाली जा रही है, जो कि ये बहुत ही बढ़िया है कि हजारों की तादाद में नरेला क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं और इस रैली को संबोधित कर रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी जाति के मजहब के लोग हैं।